गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द सेकेंड चैप्टर, द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट किंगडम्स। दे आर डोमिनेटेड ऑन द नॉर्थन इंडिया एंड द साउथर्न एरिया ऑफ इंडिया, राइट। हेयर यू कैन सी द सीई means early medieval period, started from 750 CE to approximate 1200 CE. Between this time period, different kingdoms were there in the India, in the North India and the South India. A number of the powerful kingdoms exist in India during the early medieval period, from 700 to 1200 CE. इन टाइम पीरियड के बीच में 700 टू 1200 जो टाइम पीरियड था, कॉमन ईरा बोलती हैं सीई, इनमें कई पावरफुल किंगडम जो है इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। राजपूत्स गेन कंट्रोल इन द नॉर्थ। राजपूत जो थे वो नॉर्थ इंडिया में जो है डोमिनेट थे, वहाँ रूल करते थे। एंड द अदर पावरफुल किंगडम वर दोज ऑफ पलाज इन बंगाल वेस्ट, प्रेजेंट डे इन वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वहाँ, झारखंड एंड बिहार। राष्ट्रकूटा अलोंग विद द सम स्मॉल किंगडम इन द दक्कन एंड द चोलाज इन द साउथ, राइट। हेयर यू कैन सी द एरिया ऑफ दीज किंगडम्स। पलाज आर बिलोंगिंग टू द दिस एरिया फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड राष्ट्रकूटा आर बिलोंगिंग टू द mostly south part of India and Gurjara Pratihara from the central part, central western part of the India. Here you can see the Cholas from the southern India, southern part में जो इनका रूल था वहाँ ये जो है अपना इनका kingdom था। Palaz inside है और राष्ट्रकूटाज अलोंग विद द सम स्मॉल किंगडम इन द दक्कन एरियाज। महमूद गजनी एंड द महमूद मोहम्मद गौरी हु वर बेसिकली इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो हैड एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। इन जो ये हैं महमूद गजनवी और गजनी और मोहम्मद गौरी, ये जो हैं नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर्स थे। इन्होंने अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा किया द अर्ली मेडिवल पीरियड में। इनफैक्ट द साउथ सॉ द एमर्जेंस ऑफ पावर डायनेस्टी। साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी थी? पलवाज, पांड्याज एंड चोलाज, ये जो है फेमस डायनेस्टी थी। दी स्मॉल किंगडम्स कॉन्टिन्यूसली जो है आपस की टेरिटरीज जो हैं इनको अपने में एमरजेंस करने के लिए ये कॉन्टिन्यूस इनमें फाइट होती रही विद ईच अदर टू गेन कंट्रोल ओवर देयर नेबरिंग टेरिटरीज। उनके आसपास की जो टेरिटरीज थी, जो क्षेत्र थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन्हें हड़पने के लिए इनके बीच में कॉन्टिन्यूस फाइट होती रहती थी, पलवाज, पांड्याज और चोलाज के बीच में, राइट। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से थे? फर्स्ट, जैसे मैंने आपको मैप में भी शो किया कि सेंट्रल और ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में जो राजपूत थे, सेंट्रल पार्ट्स में जो थे वो मेनली थे। नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो डोमिनेटेड थे, राजपूत मेनली डोमिनेटेड थे। देवर राजपूत वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज से निकला है, दैट कम्स फ्रॉम द राजपुत्रा, मीन्स राजा का पुत्र। ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया, सन ऑफ अ किंग और रूलर इन संस्कृत, राइट। हिस्टोरियंस एंड द स्कॉलर्स they tell us about these kingdoms, their lineage means उनके वंशज के बारे में बताते हैं राजपूत के। Some scholars believe that Rajputs were the descendant of Central Asian tribes. Scholars and historians tell us about that they came from the Central Asian, means they lineage या descendant वंशज जो हैं that
सेंट्रल एशिया के जो वंशज है, वहां की जो ट्राइब थी, वहां की जो जाति थी, वहां के वंशज है जो इंडिया में हुन इन्वेजन के बाद, मीन उनके आक्रमण के बाद, जो है अटैक के बाद इंडिया में सेटल हो गए थे. बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री दैट दे बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन. जो राजपूत थे वो माना जाता था कि वो क्षत्रिय क्लैन से, क्षत्रिय वंशज से बिलोंग करते थे. राजपूत जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे. सम ऑफ द कॉल्ड देमसेल्फ द सूर्यवंशी, बट सम ऑफ राजपूत कॉल्ड देम द चंद्रवंशी. सूर्यवंशी मीन्स बिलोंगिंग टू द सन फैमिली एंड चंद्रवंशी मीन्स बिलोंगिंग टू द मून फैमिली. फोर राजपूत क्लैन कंसिडर देमसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ द फायर फैमिली. कौन कौन से फोर क्लैन थे? देवर, प्रतिहारास, चौहान्स, सोलंकीस, इन्हें चालुक्यास भी कहते थे, एंड द लास्ट वन इज परमाराज एंड पवार्स. ये फोर जो हैं राजपूत थे, इनके वंशज थे. द तोमर्स एंड द गहादावालास एंड द चंदेलास वर थ्री अदर इम्पोर्टेंट राजपूत क्लैन. ये भी राजपूत वंशज के ही थे, क्लैन के ही थे, हु अलोंग विद द फोर बिलोंगिंग टू द अग्निकुल क्लैन वर द रूलर्स ड्यूरिंग मेडवल टाइम. जो अग्निकुल से खुद को बिलोंग मानते थे, अग्निवंशज जो है मानते थे खुद को, द राजपूत डोमिनेटेड नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 to 1000 CE. मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म. ये हिंदुइज्म को मानते थे. द तोमार्स के हैं इन द सिटी ऑफ द दिल्ली का, जिसे एट प्रेजेंट जो दिल्ली कहा जाता है, वॉज फाउंडेड बाय द तोमार रूलर्स इन द 8th century. लेटर द चौहान्स कंट्रोल दियर टेरिटरीज. सबसे पहले दिल्ली पर जो कंट्रोल था वो तोमार्स का था, बट बाद में चौहान्स ने इनकी टेरिटरीज पर कंट्रोल कर लिया था. दे रूल अराउंड द एरिया ऑफ दिल्ली एंड अजमेर के पास वो रूल करते थे. दे वर ऑल्सो नोन एज द चाहमानस. पृथ्वीराज चौहान वॉज द चौहान वॉज ऑल्सो कॉल्ड द चाहमानस. मोस्ट फेमस पावरफुल जो रूलर था दैट वॉज पृथ्वीराज चौहान. एंड चंदबरदाई पॉपुलर एपिक पोएम जो थी, पृथ्वीराज रासो नेम है ये पोएम का. ये क्या बताता है? वेरियस फाइट बताता है विद द मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज चौहान की जो मोहम्मद गौरी के साथ जो फाइट हुई थी उनके बारे में बताता है. द सोलंकीज ऑफ गुजरात आर पॉपुलरली नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात. ये क्या है? चालुक्याज ऑफ गुजरात के जो एरिया हैं वहां इनका जो है डोमिनेशन था. सिद्धराजा वॉज द मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर एंड द गुजरात वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड. मेनली नॉर्थ इंडिया में जो गुजरात का एरिया है दैट वॉज अ ट्रेड सेंटर बिकॉज इट इज अ कोस्ट लाइन एरिया, टचिंग ए कोस्ट लाइन एरिया. अनहिलवाड़ा वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. अनहिलवाड़ा, दिस इज द सिटी नेम, ड्यूरिंग दोज टाइम. एंड सोलंकीज वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स. सोलंकीज जो थे ग्रेट आपका होगी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के ज्ञाता थे, जिससे इन्होंने सोलंकीज ने जो है कई टेम्पल्स जो है वो बिल्ड किए थे. तिलवारा टेम्पल्स एंड द सन टेम्पल इज एन एग्जाम्पल. दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द दियर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स. द परमाराज वर द फेमस रूलर हु एस्टेब्लिश दियर किंगडम इन द रीजन अराउंड मालवा. परमाराज जो थे वो मालवा एरिया यानी दक्कन के जो नदन पार्ट में है वहां से बिलोंग करते थे. हेयर यू कैन सी परमाराज. ये दक्कन पार्ट जैसे ही इंडिया का स्टार्ट होता है इसके नदन पार्ट में जो है परमाराज जो फेमस रूलर थे. द कैपिटल ऑफ द परमाराज वॉज एट धार. भोजा परमाराज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर. एंड द फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल
दिस इज द टेम्पल नेम एट उदयपुर वॉज बिल्ड बाय द परमाराज. परमाराज ने जो है नीलकंठेश्वर टेम्पल उदयपुर में जो है बनवाया था. गहादावालास जयचंद्रा वॉज द किंग ऑफ गहादावालास. द गहादावालास रूल्ड द रीजन अराउंड कन्नौज. कन्नौज पर जो उन्होंने रूल किया था, इसके लिए कन्नौज एरिया जो है वहां के लिए काफी फाइट हुई थी इन्होंने राष्ट्रकूताज पलाज एंड चोलाज ने. कन्नौज को हड़पने के लिए बहुत फाइट की थी आपस में. इन 1194 मोहम्मद गोरी डिफीटेड द गहादावाला किंग जयचंद्रा को उन्होंने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था इन 1194 में चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड. एंड दीज टॉपिक्स वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो. यू कैन सी वंस अगेन इन दिस मैप and identify the different kingdoms where the from where they belong. Palas, Rashtrakutas, Gurjara, Pratiharas and Palas. These are Palas, Chahamanas, Parmaras. You can save this map as a screenshot and can read after video also. Okay, thank you. Have a nice day, students.